लोग कह रहे कि बकरी नहीं घुसने देंगे, गाय गरु नहीं घुसने। अबे तो पारसनाथ में नहीं जाएगा तो क्या जमशेदपुर सहरवा में चरेगा गाय गरु? अरे हमारा भी धर्म है यार, हमारा भी आस्था जुड़ा हुआ है। हम बकरा काटेंगे, मुर्गा काटेंगे, आपको क्या दिक्कत हो रहा है वहाँ पे? हम आपका आस्था का सम्मान कर रहे, आपका जितना धार्मिक क्षेत्र है उससे हम हट के ना करें। हमारा भी वहाँ मारंग बुरु है तो, अरे हमारा भी धर्म है यार, हमारा ग्राम थान है वहाँ। और देख अभी धर्म के मैटर में सर्वा तुरते पेन चले लागलो कर झारखंडी। अब जाए गेले है तू तो सरकार हेमंत सोरेन जी से भी हम यह कहे कि तोर दोहरा जो मानसिकता चल रहा है ना, ज्यादा दिन नहीं चले वाला, उखाड़ के कबाड़ के फेंक दे तू भैया। रुपया पैसा नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन जिगरा है, कलेजा है, कलेजा रखेंगे आगे साइड। आप कितना रुपया दिखाइए। काहे कि हमनी के पारसनाथ से बहुत पुराना संबंध रहल है और वर्तमान में भी बहुत मजबूत संबंध है, तो हम इन पारसनाथ के हमनी से कोई जुदा ना करे पार। तो जोहार सती, जोहार, जय झारखंड, जय झारखंड। डायरेक्ट उसी पर अब टाटा जमशेदपुर में हमारे साथ बेरोजगार पंडित सर तब भी जुड़े हुए हैं, तमाम जो साथी लोग हैं वो लोग भी इस डायरेक्ट उसीपुर में जुड़े हुए हैं। तो धनबाद के बाद अब जमशेदपुर में भी हो रहा है ज़्यादा डायरेक्ट उसीपुर अब, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं दादा। हाँ दादा, कहीं ना कहीं झारखंड के हर एक कोना तक ये आग पहुँचते। तो आज बारी हल जमशेदपुर जले के, मैंने सांस्कृतिक टाइप से जले के, तो देख जल रहा है अच्छा तरह से, और धीरे धीरे पूरा झारखंड जलते सांस्कृतिक उलगुलान से। झारखंडी सब उतरपती अपन संस्कृति बचवे खातिर, अपन त्यौहार पर्व के जाने बचवे खातिर। डायरेक्ट उसी पर्व जिस तरीके से धनबाद और जमशेदपुर में हुआ, अब क्या पारसनाथ में भी अब जो है टुसू पर्व मनाने की अब तैयारी की जाएगी? एकदम गर्दा टाइप से टुसू चलते वहाँ। 15 तारीख के समय निर्धारित करल गया है वहाँ पे। वो सब जो 5,000 बॉन्सर जो बोल रहे थे ना, वो सब हम इनके 5,00,000 पुराना है कम से कम। पारसनाथ में भी टुसू चलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, मतलब वो पारसनाथ पहुँचेगा एकदम जिस तरीके से टुसू पर अब यहाँ मनाते सिर्फ वहाँ मनाएगा एकदम एकदम दा। काहे कि हमनी के पारसनाथ से बहुत पुराना संबंध रहल है और वर्तमान में भी बहुत मजबूत संबंध है, तो हम इन पारसनाथ के हमनी से कोई जुदा ना करे पार। तो अच्छा, जिस तरीके से जो किसी विशेष समुदाय के आस्था की बात की जाती है, लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से सबका आस्था का जो सम्मान किया जा रहा है, उस तरीके से हमारे भी आस्था का जो उचित संरक्षण भी होना चाहिए। एकदम दादा, ओकर आस्था के हम सम्मान कर रही, ओकर धर्म के सम्मान कर रही, कहाँ हम उस सबके भगा रही। अरे भैया जाहिर सी बात है, अगर झारखंड हमारा है, हम झारखंडियों का है, तो सर्वा पारसनाथ तुमरा कैसे हो जाएगा यार? ये दोहरी नीति ना चलतो। ओकर जहाँ तक हाँ धर्म तोर वहाँ हो, धर्म स्थल कितना है तो 2-4 डिसमिल, 5 डिसमिल, अधिक से अधिक 10 डिसमिल जितना तक हो वहाँ तक तो हफुआ सकल है। लेकिन भैया बोल देवे कि पूरा 1600 एकड़ पहाड़वे हमारा पारसनाथे हमारा, बर्दाश्त ना भेतो भैया। कहे कि झारखंड जब झारखंडियों का है तो पारसनाथ भी झारखंडियों का रहेगा। नहीं कह रहे कि वहाँ पर जो उनके तीर्थकार ने वहाँ पर अपना अंतिम सांसें ले, वहाँ पर जो तपस्या किए, तो बाहर के लोग या झारखंड के लोग बोल सकते हैं, अलग समुदाय के लोग वहाँ जब जा रहे हैं मांस का सेवन कर रहे हैं, या पूजा का स्थल का बात हो, या जैसे भी हो मांस का सेवन कर रहे हैं, या फिर चप्पल से पहन करके जा रहे हैं, इस तरीके से उनका जो कहना है कि उनका आस्था में जो है इसमें दुर्व्यवहार हो रहा है। देख दादा, अरे हमारा भी धर्म है यार, हमारा भी आस्था जुड़ा हुआ है। हम बकरा काटेंगे, मुर्गा काटेंगे, आपको क्या दिक्कत हो रहा है वहाँ पे? हम आपका आस्था का सम्मान कर रहे, आपका जितना धार्मिक क्षेत्र है उससे हम हट के ना करें। हमारा भी वहाँ मारंग बुरु है तो, अरे हमारा भी धर्म है यार, हमारा ग्राम थान है वहाँ, हम क्यों ना, हमारा वहाँ बकरा और मुर्गा चलता है, हम चढ़ेबे करेंगे वहाँ। बात करते चप्पल का, अरे भैया मॉडर्न जमाना आ गया, चप्पल काहे नहीं पीने, कंकड़ उंकड़ गड़ जाएगा। तो आप जितना आपका धार्मिक क्षेत्र पड़ रहा है 4-5 डिसमिल जो भी एरिया, उतना ही तक में अगर सीमित रहिए तो बेटर है, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर जैसे बोला जा रहा है कि अन्य जो लोग हैं वो पारसनाथ में ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर सकते, मवेशियों को नहीं ला सकते हैं, तो फिर वहाँ जो आदिवासी मूलवासी हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो सदियों
सालों से रहते आ रहे हैं वो लोग, फिर उनका जो जीवन शैली है वो पारसनाथ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उनका दैनिकचर्या जुड़ा हुआ है, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है, तो फिर कैसे उनका क्या दिनचर्या में क्या किस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा इस तरीके से नियमों? एकदम प्रभाव पड़ता था। हम पहले बोलियो ना कि पारसनाथ और झारखंडियों का बहुत पुराना संबंध रहा है। लोग सरकार कह रहा है या फिर धर्म वाले लोग कह रहे हैं कि बकरी नहीं घुसने देंगे, गाय गरु नहीं घुसने। अबे तो पारसनाथ में नहीं जाएगा तो क्या जमशेदपुर सहरवा में चरेगा गाय गरु? देख भाई बर्दाश्त ना बे, तो हमारा गाय भी पारसनाथ में चरेगा, छगरी भी चरेगा, कोई माइकलाल नहीं रोकने सकेगा। कहाँ चरेगा यार? अगर पारसनाथ में नहीं चरेगा तो हम जमशेदपुर लाएंगे, हम रामगढ़ ले जाएंगे चराने के लिए? ना, ये गलत नियम हो, गलत नीति हो। जोरदार मने टकराव है तो बिजोर टकराव है तो रुपया ला ना यार, हमारे पास जिगर हो कले जाओ। समस्त झारखंड वासी को क्या संदेश देंगे आज के इस डहरे टुसु पर्व को लेकर के, और साथ ही पारसनाथ में भी जो टुसु पर्व मनाने की बात है 15 जनवरी को और वहां पर बढ़ चढ़ कर लोग जाने की बात है, इस पर क्या संदेश देंगे? संदेश हम यह दिए चाहबो कि दादा सब आगामी जो 15 तारीख है तैया साहब के पारसनाथ पहुँचना हो, और यह कहबोन कि सरकार भी हमनी के पक्ष ना ले रहे हो, हम इन झारखंडी के हित में ना सोच रहे हो। 1932 के मैटर में, 1932 के मैटर में ओकर कलम 2 साल से बंद पड़ल हलै, नियोजन नीति बनवे में ओकर दर्द बता चालू भई जा हलै, और देख अभी धर्म के मैटर में सरवा तुरते पेन चले लागलो ओकर, झारखंडी अब जाय गेले है तू। तो सरकार हेमंत सोरेन जी से भी हम यह कहबे कि तोर दोहरा जो मानसिकता चल रहा ने वो ज्यादा दिन ना चले वाला, उखाड़ के कबाड़ के फेंक दे तू भैया, काहे कि झारखंडी जाए के लिए स्थानीय नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति में तोर कलम ना चलाओ, कलम ना उठाओ, और देख जरा सा जैन धर्म वाले का बोल दे तू, तोर कलम तुरते चले लागलो, रोखिन के पक्ष में तोर नीति गिरे लागलो, बर्दाश्त ना कर तो झारखंडी अब बहुत जल्द टकराव है तो ओकर बाद तो फिर भैया जानिए रहा, रुपया पैसा नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन जिगरा है, कलेजा है, कलेजा रखेंगे आगे साइड, आप कितना रुपया दिखाइए धर्म वालों। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे साथ बात करने के लिए, धन्यवाद दा जोहार। तो अभी हमारे साथ में युवा आंदोलन करी दादा बेरोजगार परिषद हमारे साथ में थे, जो आज जमशेदपुर में डहरे टुसु पर्व का कार्यक्रम है उसको लेकर के इन्होंने कहा कि संस्कृति को लेकर के जो बढ़ावा मिल जा रहा है अब अच्छी तरीके से जो है इस संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है, साथ ही पारसनाथ में भी अब डहरे टुसु पर्व जो है अच्छे तरीके से मनाने की जरूरत है, और वहाँ आदिवासी और मूलवासी जिस तरीके से विशेष समुदाय का आस्था जुड़ा हुआ है उसी प्रकार से वहाँ पर आदिवासी और मूलवासी वहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका भी जो है आस्था वहाँ से जुड़ा हुआ है, उनका जीवन शैली भी वहाँ से जुड़ा हुआ है, तो उनका भी आस्था और जीवन शैली में दिनचर्या में जो समस्या ना आ जाए उसको लेकर के भी संरक्षित करने की जरूरत है। बाकी आप सभी का धन्यवाद रहेगा, जोहार रहेगा, जोहार झारखंड, जय झारखंड।